ध्वनिर्वर्णापदम् वाक्यमित्या चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तानुपास्महे मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र प्रस्तुत करता है मनीष श्रृंखला उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा ये श्रृंखला बी विशेष शिक्षा के साथ साथ बी सामान्य शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा विषय विशे विशेषज्ञ है डॉक्टर एस के उपाध्याय कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण संपादन आलेखन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने तो आइए अब सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा दोस्तों उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा इस ध्वनि श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक आप वैदिक युग बौद्ध युग मुस्लिम युग और अंग्रेजों के काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में सुन चुके हैं आज के कार्यक्रम में हम स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था और उसके विकास पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे भारत विदेशी गुलामी से 15 अगस्त उन्नीस में मुक्त हुआ और इस प्रकार नियति के साथ मिलन की ओर निर्णायक यात्रा प्रारंभ हुई विभाजित बुरी तरह घायल और टूटे हुए राष्ट्र को पुनर्निर्माण की तुरंत आवश्यकता थी सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा एक साधन स्वरूप थी। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उन्नीस सौ की महान दार्शनिक और बाद में बने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उन्नीस सौ की नियुक्ति हुई 4 नवंबर 1948 को अमेरिका और ब्रिटेन से शैक्षिक विशेषज्ञ और साथ में भारतीय विशेषज्ञों को इस आयोग में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया इसने एक वर्ष के अंदर ही अपनी रिपोर्ट पेश की आयोग ने विश्वविद्यालयीन शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लक्ष्यों शैक्षिक मानकों शिक्षक प्रशिक्षण शोध नारी शिक्षा धार्मिक व्यवसायिक आयुर्विज्ञान तथा कानून की शिक्षा शिक्षा का माध्यम पाठ्यचर्या परीक्षा पद्धति छात्रों की समस्याएं विश्वविद्यालयीन प्रशासन तथा वित्त और ग्रामीण विश्वविद्यालयों के बारे में महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की पहली सिफारिश शिक्षा के लक्ष्यों के बारे में थी विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लक्ष्य प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं वर्तमान परिस्थितियों और देश की भावी आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए योग्य नागरिकों का निर्माण जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दायित्वों को निभा सकें। देश की संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण और विकास नवीन विचारों की उत्पत्ति और वृद्धि को अवरुद्ध करने वाले विचारों का बहिष्कार ज्ञान और कौशलों के अर्जन के लिए अवसर प्रदान करना मन और आत्मा को शिक्षित करना नवाचार और नवीन विचारधारा को प्रोत्साहित करना नैतिक मूल्यों और अनुशासन की भावना का संचार सार्वभौमिक भाईचारे की भावना का विकास भी शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए दूसरी सिफारिश शिक्षण के मानक के बारे में थी आयोग विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण और परीक्षा के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए चिंतित था इसने विश्वविद्यालयों में ऊंची योग्यता समर्पित और अच्छे अध्यापकों की अनुशंसा की जो अध्यापन कार्य में संलग्न होंगे इसने अध्यापन से संबंधित कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन मानों का सुझाव दिया विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश की कि शोधार्थियों को छात्रवृत्तियां, वजीफा इत्यादि दिया जाना चाहिए तीसरी सिफारिश पाठ्यचर्या के बारे में थी पाठ्यचर्या का पुनर्गठन होना चाहिए विश्वविद्यालयों और इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम नए भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए पाठ्यचर्या एक अंतिम ध्येय नहीं अपितु एक साधन मात्र होना चाहिए ये सामान्य बौद्धिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी होनी चाहिए चौथी सिफारिश अध्यापकों के प्रशिक्षण के बारे में थी सैद्धांतिक शिक्षा के बजाय व्यावहारिक अनुभवों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए संस्थाओं के अध्यापकों के पास विद्यालयों में पढ़ाने का अधिकाधिक अनुभव होना चाहिए इन संस्थानों में नवाचार और को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पांचवी सिफारिश तथा तकनीकी शिक्षा के प्रशिक्षण के बारे में थी इन संस्थानों को राष्ट्रीयकृत कर देना चाहिए इसने अभियांत्रिकी के अधिक महाविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की इसकी पाठ्यचर्या देश की आवश्यकताओं के अनुसार विविधता लिए हुए होना चाहिए व्यवहारिक कौशलों और शोध कार्यों पर जोर दिया जाना चाहिए छठवी सिफारिश नारी शिक्षा के बारे में थी नारी शिक्षा सामान्यतया एक जैसी ही होनी चाहिए लेकिन घरेलू जीवन से संबंधित व्यावहारिक विषयों का प्रावधान भी होना चाहिए और अधिक ऐसे संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें योग्य अध्यापिकाएं भी हों सातवीं सिफारिश धार्मिक शिक्षा के बारे में थी इस आयोग ने धार्मिक शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की इस आयोग के अनुसार धार्मिक शिक्षा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार होनी चाहिए इसे देश की धर्म निरपेक्ष प्रकृति को भी ध्यान में रखना चाहिए राज्य की सभी धर्मों के हितों की रक्षा के अलावा और कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में आयोग ने सिफारिश की कि संस्थानों में अध्यापन व्यक्तिगत ध्यान से प्रारंभ होना चाहिए प्रथम वर्ष में महान धार्मिक नेताओं जैसे शंकराचार्य बुद्ध ईसा मसीह पैगंबर मोहम्मद गुरु नानक महावीर आदि के जीवन चरित्र द्वितीय वर्ष में सभी धर्मों की प्रमुख बातें पढ़ाई जानी चाहिए अंतिम वर्ष में सभी धर्मों के दर्शनों की प्रमुख बातें और उनकी समस्याओं का आलोचनात्मक अध्ययन करवाया जाना चाहिए आठवीं सिफारिश ग्रामीण शिक्षा के बारे में थी भारत गांव में बसता है इसलिए ग्रामीण जनता में ग्रामीण विषयों पर महत्व देते हुए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए नवी सिफारिश प्रशासन के बारे में थी आयोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कमियों की निंदा की इसने सिफारिश की विश्वविद्यालयों को समवर्ती सूची में रखकर राज्य के नियंत्रण में लाया जाए विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में केंद्र सरकार का कम से कम अधिकार होना चाहिए इसने विश्वविद्यालयों के लिए विजिटर कुलाधिपति कुलपति सिंडिकेट संकाय फैकल्टी परिषद आदि की नियुक्ति के बारे में मानक सुझाए दसवीं सिफारिश वित्तीय व्यवस्था के बारे में थी आयोग ने विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया विश्वविद्यालय शिक्षा की पूरी कीमत राज्य सरकार को वहन करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों और फर्मों को आयकर में छूट दी जानी चाहिए जो शैक्षिक संस्थाओं को दान देते हैं आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक लोकप्रिय राजनेता चिंतक और अध्यापक थे इसलिए स्वाभाविक रूप से ही आयोग की सिफारिशों पर उनके अनुभवों और दर्शन की छाप पड़ी आयोग ने विश्वविद्यालयीन शिक्षा के व्यर्थ और अपर्याप्त चीजों को सही प्रकार देखा और उन्हें दूर करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए इसकी कुछ सिफारिशें संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुकूल हैं। दोस्तों अभी हमने चर्चा की विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग उन्नीस सौ की आइए अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग उन्नीस सौ बावन उन्नीस सौ तिरपन के बारे में माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था और इसमें अनेक त्रुटियां दिखाई देने लगी थी जिसके कारण पहले भी इसको आलोचना का सामना करना पड़ा था ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में 23 सितंबर उन्नीस को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की ए एन बासु को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया माध्यमिक शिक्षा की विविध समस्याओं के अध्ययन के बाद आयोग ने 29 अगस्त उन्नीस में एक रिपोर्ट पेश की आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में कई कमियों की ओर इशारा किया ये जीवन से संबंधित नहीं है ये संकुचित और एक तरफा है अध: विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व के विकास में असमर्थ है ये स्वतंत्र चिंतन तथा पहल को बढ़ावा नहीं देता परीक्षा पद्धति विद्यार्थियों की योग्यताओं का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन नहीं करती पाठचर्या तथा अध्यापन विधियां आडम्बर यांत्रिक होने के कारण रुचि का सृजन नहीं करती अध्यापक और छात्रों की संख्या के बीच उपयुक्त अनुपात नहीं है पठन पाठन का माध्यम अनुचित है छात्रों की एक बड़ी संख्या के लिए माध्यमिक शिक्षा एक आखिरी बिंदु है ये प्राथमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयीन शिक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है परंतु दुर्भाग्यवश ये श्रृंखला की सबसे दुर्बल कड़ी है इसलिए आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण स्पष्ट तय करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि इसे सुधार कर सशक्त बनाया जा सके माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य इस प्रकार है भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण जो दृढ़ राष्ट्रीयता और सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत हों, जिससे वे समाज के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। विद्यार्थियों में उत्पादक क्षमता का विकास करना जिससे माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण होने पर वे राष्ट्रीय समृद्धि में अपना योगदान कर सकें। उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उनके शारीरिक मानसिक सामाजिक तथा भावनात्मक शक्तियों का विकास करना उनमें अनुशासन की भावना और गुणात्मक नेतृत्व का विकास करना आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष की आयु के बीच दिया जाना चाहिए जिसमें जूनियर हाई स्कूल स्तर तीन वर्ष का तथा हाई स्कूल स्तर चार वर्ष का हो माध्यमिक शिक्षा में एक वर्ष जोड़कर इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए इस प्रकार स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि का हो जाना चाहिए विद्यार्थियों के विविध रुचियों को ध्यान में रखते हुए बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना इस आयोग की सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी ये श्रेयस्कर होगा कि एक एक ऐसा विद्यालय प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाए ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कृषि एक प्रमुख विषय होना चाहिए और लड़कियों के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य होना चाहिए आयोग ने सिफारिश की विद्यार्थियों की रुचि समय की मांग तथा समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठचर्या का पुनर्गठन किया जाए आयोग ने निम्न माध्यमिक स्तर के लिए गणित सामान्य विज्ञान भाषा सामाजिक अध्ययन शारीरिक शिक्षा शिल्प आदि विषयों की सिफारिश की उच्च माध्यमिक स्तर के लिए विविधता लिए हुए विषयों के समूह देने की सिफारिश की गई ये इस प्रकार से थे मानवी समूह विज्ञान समूह औद्योगिक विषय समूह वाणिज्य समूह कृषि समूह चित्रकला समूह और गृह विज्ञान समूह आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक चुनने के वास्ते एक उच्च शक्ति युक्त समिति गठित करने की सिफारिश की जिसमें हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश लोक सेवा आयोग के एक सदस्य एक कुलपति सरकारी संस्थान के एक प्रधानाचार्य दो शिक्षा शास्त्री तथा विद्यालय स्तर के शिक्षा निदेशक शामिल हों आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के चयन का आधार भी निर्धारित किया जैसे उत्पादन छपाई प्रयुक्त कागज उदाहरण चित्र और सर्वोपरि उसकी विषय वस्तु आयोग के अनुसार पाठ्य पुस्तक जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए आयोग ने विद्यालय प्रशासन तथा वित्त से संबंधित सिफारिशें विस्तार से की इसने प्रभावी तथा गुणात्मक निरीक्षण पर जोर दिया और इसका आशय अध्यापकों की मदद करना होना चाहिए ना की गलतियां निकालना वित्त के बारे में इसने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्यों को सहायता दे। आयोग ने अच्छा वेतन देकर अध्यापकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने पर भी जोर दिया अध्यापकों को दूसरे सेवागत फायदे भी दिए जाने चाहिए अध्यापकों के अवकाश प्राप्ति की उम्र साठ वर्ष होनी चाहिए आयोग ने उनके प्रशिक्षण को सुधारने की सिफारिश भी की एक वर्ष में पढ़ाई के दिनों की संख्या 200 से कम नहीं होना चाहिए यद्यपि माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को पूर्णतः दूर करना संभव नहीं था परंतु आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव दिए ये इस दिशा में किया गया एक अच्छा प्रयास था दोस्तों अभी हमने चर्चा की माध्यमिक शिक्षा आयोग उन्नीस सौ की आइए अब चर्चा करते हैं शिक्षा आयोग उन्नीस सौ की भारत ने योजनाबद्ध विकास के दौर में प्रवेश किया है इस लक्ष्य को सामने रखकर पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप शिक्षा के अंतर्निहित कमियों का ज्ञान हुआ भारत सरकार ने डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति उन्नीस में की इस आयोग को शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसकी नियुक्ति 14 जुलाई उन्नीस में की गई थी इस आयोग में नामी शिक्षा शास्त्री विशेषज्ञ तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे श्री जे पी नायक इस आयोग के सदस्य सचिव थे आयोग ने शिक्षा के अनेक पक्षों का अध्ययन किया इसकी रिपोर्ट तीन हिस्सों में बंटी हुई है पहले भाग में छह अध्याय हैं। ये शिक्षा के पुनर्गठन और अन्य प्रश्नों से संबंधित हैं दूसरे भाग में ग्यारह अध्याय हैं। उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों का समावेश है तीसरे हिस्से में सुझावों को रखा गया है इससे ये तो स्पष्ट है कि रिपोर्ट काफी व्यापक है और शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं को स्पर्श करती है पहली सिफारिश शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में थी शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में आयोग ने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा हमारे देश की समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है राष्ट्रीय लक्ष्य इस प्रकार हैं: खाद्य पदार्थों में स्वावलंबन आर्थिक विकास और बेरोजगारी का अंत सामाजिक और राजनीतिक एकता और राजनीतिक विकास इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक क्रियात्मक कार्यक्रम सुझाया गया है क्रियात्मक कार्यक्रम इस प्रकार है शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होगी शिक्षा द्वारा सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण होगा शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र का सशक्तिकरण होगा आधुनिकीकरण की, की त्वरित गति सुनिश्चित होगी और शिक्षा द्वारा सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा दूसरी सिफारिश शैक्षिक संरचना के बारे में थी विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक संरचना और मानदंडों की उन्नति के लिए आयोग ने कई सुझाव दिए परंतु माध्यमिक शिक्षा पर इसके दो सुझाव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए और दूसरा केवल एक अंतिम वार्षिक परीक्षा होनी चाहिए उच्च शिक्षा के बारे में इसने सुझाया कि ये 12 वर्ष के बाद ही प्रारंभ होना चाहिए अर्थात दस वर्ष के लिए सामान्य शिक्षा तथा दो वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा छात्रों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाओं के प्रावधान का भी इसने सुझाव दिया तीसरी सिफारिश अध्यापक की स्थिति के बारे में थी आयोग ने समाज में अध्यापक की दशा और स्थिति पर दुख प्रकट किया और उसके सुधार के लिए कहा आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा अध्यापकों के लिए न्यूनतम वेतनमान निश्चित करना चाहिए केंद्र को राज्यों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए जिससे वे केंद्रीय सरकार के अध्यापकों के बराबर रहें अध्यापकों के वेतनमानों में समानता का सिद्धांत होना चाहिए अध्यापन व्यवसाय में अच्छे और योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें वही वेतनमान दिया जाना चाहिए जो उसी शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्ति सरकार की अन्य सेवाओं में पाते हैं आयोग ने उनकी सामाजिक स्थिति पदोन्नति के अवसर अवकाश प्राप्ति पर लाभ और कार्य की शर्तों के सुधार के लिए भी सुझाव दिए इन सब की शुरुआत आयोग के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों से किया जाना चाहिए क्योंकि वे ही पूरी तरह से प्रभावित होते हैं चौथी सिफारिश अध्यापक शिक्षा के बारे में थी अध्यापक शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए आयोग ने व्यवसायिक शिक्षा की कमियों की ओर इशारा किया है आयोग के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों की हालत अच्छी नहीं है इसमें योग्य अध्यापकों की कमी है निर्जीव तथा अरुचिकर है। है सैद्धांतिक पक्ष की प्रधानता है, तथा प्रायोगिक और व्यावहारिक प्रयोगों की कमी है इन कमियों को दूर करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण के अलगाव को दूर कर और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत बनाकर विभिन्न अध्यापकों के प्रशिक्षण अवधि को निर्धारित कर प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य की शर्तों में सुधार लाने की बात आयोग ने कही है पांचवी सिफारिश प्रवेश तथा मानव शक्ति के बारे में थी आयोग के अनुसार राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मानव संसाधनों का विकास इसके लिए शिक्षा को सीमित नहीं किया जा सकता आयोग ने भारत में छात्रों की बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान दिया आयोग एक राष्ट्रीय प्रवेश नीति की अपेक्षा करता है इसमें प्रत्येक बच्चे को सात वर्ष की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सुनिश्चित किया जाए आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रवेश नीतियों को निर्धारित करने का भी सुझाव दिया है छठवी सिफारिश शैक्षिक अवसरों में समानता के बारे में थी प्रत्येक प्रजातांत्रिक और सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान स्तर पर रहना पसंद करता है आयोग ने इस दिशा में सही अनुशंसा करते हुए कहा विद्यालय जाने की उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान को लागू किया जाए इसने सिफारिश की कि गरीब बच्चों को पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति की जाए और मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए आयोग के अनुसार ये उपाय वंचित वर्ग के बच्चों की प्रगति में सहायक होंगे इसने शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सहायता की भी सिफारिश की सातवीं सिफारिश पाठ्यचर्या के बारे में थी आयोग ने सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या के पुनर्गठन की बात कही निम्न प्राथमिक स्तर पर भाषा अर्थात मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा आदि के साथ आसान गणित पर्यावरण का अध्ययन सृजनात्मक क्रियाकलाप कार्युभ तथा स्वास्थ्य शिक्षा को शामिल करना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा अर्थात मातृभाषा और हिंदी या अंग्रेजी के साथ गणित विज्ञान सामाजिक अध्ययन शिल्प कार्य और सामाजिक सेवाएं शारीरिक शिक्षा नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा को शामिल करना चाहिए निम्न माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाएं गणित विज्ञान इतिहास सामाजिक शास्त्र भूगोल शिल्प कार्य शारीरिक शिक्षा नैतिक शिक्षा को शामिल करना चाहिए उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा किसी विविधता लिए हुए समूह से कोई तीन विषय कार्य अनुभव शारीरिक शिक्षा शिल्प और नैतिक शिक्षा को शामिल करना चाहिए आयोग ने एक तीन भाषा फॉर्मूले की सिफारिश की अर्थात मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा संघ की कार्यालयीन भाषा एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा आठवीं सिफारिश अध्यापन विधियों के बारे में थी अध्यापन विधियों में सुधार के लिए आयोग ने इसमें लचीलापन और गत्यात्मकता लाने की सिफारिश की ये तभी संभव है जब अध्यापक इस कार्य में सामने आए नई सोच और शोध को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए आयोग ने पाठ्य पुस्तकों की कमी पर दुख प्रकट किया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकों के अनुकूल पाठ्य पुस्तकों के निर्माण की सामान्य प्रक्रिया विकसित की जाए पुस्तक लेखन के लिए समुचित मानदेय दिया जाए इसने विद्यालय सहकारी समितियों के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों की बिक्री पर जोर दिया अध्यापकों और शिष्यों के लिए रेडियो प्रसारण की व्यवस्था हो आयोग ने मार्गदर्शन और परामर्श की व्यवस्था को शिक्षा का आवश्यक तत्व माना इसका लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को विभिन्न अवसरों पर सहायता देना योग्य व्यक्तियों के तत्वावधान में मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिए नवीन सिफारिश मूल्यांकन के बारे में थी आयोग ने मूल्यांकन को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना किंतु उसमें सुधार की आवश्यकता बताई वर्तमान पद्धति में कमियां ही कमियां हैं आयोग ने ऐसी तकनीक को प्रयोग में लाने की सिफारिश की जिसके द्वारा विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सकता है और जिन्हें प्रचलित पद्धति में किसी प्रकार मूल्यांकित नहीं किया जा सकता उच्च माध्यमिक स्तर पर मौखिक और निदानात्मक परीक्षण किए जाने चाहिए आयोग ने सिफारिश की प्रगति पत्रकों को रखा जाए दसवीं सिफारिश विद्यालय प्रशासन और निरीक्षण के बारे में थी प्रभावी प्रशासन और निरीक्षण के लिए आयोग ने चार बिंदुओं वाले कार्यक्रम की सिफारिश की यह हैं जन शिक्षा की सामान्य विद्यालय पद्धति विद्यालय सुधार का राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम निरीक्षण और निरीक्षण का प्रशासन से पृथककरण ग्यारहवीं सिफारिश उच्च शिक्षा के उद्देश्य और सुधारों के बारे में थी आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों के बारे में सिफारिश की इन पक्षों में विश्वविद्यालयों के उद्देश्य मुख्य विश्वविद्यालयों का विकास अन्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में सुधार कार्य अध्यापन और मूल्यांकन में सुधार शिक्षा का माध्यम छात्र सेवाएं विद्यार्थी परिषद छात्रों में अनुशासन आदि शामिल थे इन पर आयोग की सिफारिशें बहुमूल्य थीं। आयोग ने पत्राचार या सायंकालीन कक्षाओं के माध्यम से अंशकालीन शिक्षा प्रारंभ करने की सिफारिश की स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाना चाहिए जो इन्हें प्रभावी ढंग से दे सकते हैं आयोग ने नारी शिक्षा को तेजी से फैलाने की सिफारिश की उन्हें छात्रवृत्ति तथा वजीफा भी दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम उनके पसंद के अनुसार होना चाहिए छात्र छात्राओं की भीड़ को कम करने के लिए आयोग ने और अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश भी की इसने शैक्षिक अनुसंधान के प्रावधान की सिफारिश भी की इसके लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए आयोग का विचार था अकादमिक गतिविधियों को भली प्रकार चला सकें वित्त के संबंध में आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयों को सहायता स्वरूप पर्याप्त धन देना चाहिए आयोग ने कुलपतियों की नियुक्ति संबद्ध महाविद्यालयों की क्रिया पद्धति विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड यू आदि के संबंध में भी अनुशंसाएं की बारहवीं सिफारिश कृषि शिक्षा के बारे में थी आयोग ने कृषि के क्षेत्र में शिक्षा देने के लिए एक कार्य योजना बनाने की सिफारिश की इसमें प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना कृषि पॉलिटेक्निक और कृषि महाविद्यालयों की स्थापना प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा के प्रावधान की सिफारिश की कृषि के बारे में सूचनाओं के संचार के लिए विस्तार कार्यक्रमों को हाथ में लेने की सिफारिश भी की अन्य विषय जिनका आयोग ने अध्ययन किया विधि तकनीकी अभियांत्रिकी तथा व्यवसायिक शिक्षा विज्ञान शिक्षा अनुसंधान तथा प्रौढ़ शिक्षा आयोग ने शैक्षिक प्रशासन और वित्त संबंधी सिफारिशें की भारत जैसे देश के लिए आयोग ने शैक्षिक योजना की आवश्यकता पर जोर दिया एक राष्ट्रीय नीति विकसित की जानी चाहिए शिक्षा में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि उसका योगदान अत्यधिक सराहनीय रहा है शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण आयोग ने शिक्षा में केंद्र सरकार की भूमिका की भी चर्चा की इसे देश में वैज्ञानिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए इसे कृषि की उन्नति और विकास की योजना भी बनाना चाहिए इस दिशा में प्रभावी और समन्वित क्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने सिफारिशें की शिक्षा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं का सामना करने के लिए आयोग ने शैक्षिक खर्चों में साढ़े चार गुना वृद्धि की सिफारिश की इसने अन्य स्रोतों से शिक्षा के लिए धन जुटाने के वास्ते भी सिफारिश की आयोग ने धन का आवंटन निश्चित सिद्धांतों के आधार पर करने की सिफारिश की जिससे धन के अपव्यय और दुष्प्रयोग को रोका जा सके शिक्षा आयोग उन्नीस सौ चौसठ की सिफारिशें काफी महत्वपूर्ण हैं। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री न्यायमूर्ति एम सी छागला ने इसे अध्यापकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महाधिकार पत्र की संज्ञा दी क्योंकि इसने उनकी स्थिति में सुधार के लिए अनेक सिफारिशें की इसने वर्तमान समय की आवश्यकता अनुसार आधुनिक विज्ञान के विकास के लिए भी बहुत जोर दिया परंतु ये दुखद ही कहा जाएगा कि आयोग ने बुनियादी शिक्षा को नहीं माना आयोग के अधिकतर सदस्य विदेशों से थे जो देश के सांस्कृतिक परिवेश से अनभिज्ञ थे यही कारण है कि इस आयोग की कुछ सिफारिशें महत्वाकांक्षी साबित हुईं। दोस्तों अभी हमने चर्चा की शिक्षा आयोग उन्नीस सौ के बारे में आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्नीस के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में विपुल प्रसार हुआ और जनसंख्या विस्फोट ने देश को हिला दिया शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार की बेरोजगारी देश की शांति को छिन्न भिन्न कर रही थी शिक्षा इन कमियों को दूर करने में मददगार साबित नहीं हो रही थी साथ ही ये विश्व के शैक्षिक परिदृश्य में होने वाले अनेक परिवर्तनों के कारण पिछड़ गई थी विश्व तकनीकी वैज्ञानिक और कंप्यूटर क्रांति के दौर से गुजर रहा था ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक युवा गतिशील करिश्मे से भरपूर व्यक्तित्व वाले और दूरदृष्टि युक्त राजनेता श्री राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली विदेश को वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के शिखर पर ले जाना चाहते थे उन्नीस के बजट सत्र के दौरान भारत की संसद ने विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्नीस को अपनाया ये दस्तावेज 12 भागों में विभक्त है और शिक्षा के अनेक पक्षों पर इसमें विस्तार से दृष्टि डाली गई है अनेक कारणों से ये नवाचारी तथा अग्रगामी है इसने शिक्षा प्रणाली में कुछ आमूल चूल परिवर्तन की सिफारिश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारंभिक भाग में ही शिक्षा के मूल भाव तथा शिक्षा की भूमिका का वर्णन इस रूप में किया गया है सभी के लिए शिक्षा हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए ये मूलभूत चिंतन है शिक्षा की एक संस्कृति संक्रमण की भूमिका है ये संवेदनाओं और अनुभवों का परिष्करण करती है अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षा मानव शक्ति का विकास करती है शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए अन्यतम निवेश है और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुंजी भी है पहली सिफारिश शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के बारे में थी इस पद्धति के अंतर्गत जाति पंथ लिंग अवस्थिति की परवाह न करते हुए सभी विद्यार्थियों के लिए दिए गए स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करना है ये देश के लिए शिक्षा की एक सामान्य संरचना टेन प्लस टू प्लस थ्री का प्रतिपादन करती है अर्थात पांच वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पांच वर्ष की निम्न माध्यमिक दो वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा और तीन वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति एक राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर आधारित होगी जिसमें अन्य अवयवों के साथ साथ एक सामान्य कोड की व्यवस्था भी रखी गई है धर्म निरपेक्ष मूल्यों को महत्व दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर दिए जाएंगे शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए सीखने के न्यूनतम स्तर निर्धारित किए जाएंगे उच्च शिक्षा में सामान्यतया तथा तकनीकी शिक्षा में विशेषतया क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ाया जाएगा विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष कदम उठाए जाएंगे प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्रौढ़ साक्षरता गृहणियों की शिक्षा कृषि और औद्योगिक मजदूरों की शिक्षा को हाथ में लिया जाएगा दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा प्रमुख शैक्षिक संस्थानों को सशक्त बनाया जाएगा राज्यों और केंद्र के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विषमताओं को दूर कर नारी शिक्षा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अल्पसंख्यकों अन्य शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा विकलांगों की शिक्षा के लिए विस्तृत योजनाओं का सूत्रपात किया दूसरी सिफारिश प्रौढ़ शिक्षा के बारे में थी भारतीय जनमानस से प्रौढ़ निरक्षरता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रौढ़ की आवश्यकता और महत्व पर बल दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समस्त समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर उनके सहयोग से जन साक्षरता अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ केंद्रों की स्थापना का एक विशाल कार्यक्रम चालू किया जाएगा रेडियो टीवी फिल्मों सीखने वालों के समूहों का सृजन दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा तीसरी सिफारिश बाल शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रारंभिक बाल कल्याण कार्यक्रम को महत्व दिया प्रारंभिक बाल कल्याण देखभाल और शिक्षा के कार्यक्रम लिए जाएंगे ये बाल केंद्रित और बालक की व्यक्तिकता पर केंद्रित होगा प्रारंभिक शिक्षा को नवजीवन प्रदान किया जाएगा ये दो पहलुओं पर जोर देगा पहला चौदह वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक शिक्षा और दूसरा शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार होगा बाल केंद्रित रणनीति अपनाई जाएगी प्रारंभिक शिक्षा के सशक्तिकरण और उसे अधिक आकर्षक उद्देश्य पूर्ण और लाभकारी बनाने के लिए कुछ आवश्यक सुविधाएं जैसे दो बड़े कक्षा कक्ष खिलौने श्यामपट नक्शे चार्ट पठन पाठन सामग्री आदि दी जाएंगी साथ ही दो अध्यापक भी दिए जाएंगे जिसमें से एक महिला अध्यापिका होगी चौथी सिफारिश अनौपचारिक शिक्षा के बारे में थी लड़कियों कार्यरत बच्चों और विद्यालय त्यागी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का एक बड़ा और सुव्यवस्थित कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा विभिन्न प्रयासों द्वारा इसे सशक्त किया जाएगा पांचवी सिफारिश माध्यमिक शिक्षा के बारे में थी माध्यमिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रस्ताव दिया कि आर्थिक उन्नति के लिए बहुमूल्य मानव शक्ति प्रदान करने के लिए व्यावसायिक धारा के माध्यम से कार्य की संस्कृति को पनपाने की आवश्यकता है जिसके लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा छठवी सिफारिश व्यवसायीकरण के बारे में थी प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में सुव्यवस्थित सुनियोजित तथा जोरदार तरीके से कार्यान्वित कार्यक्रम को शुरू करने पर विचार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रस्तुत किया इसके अनुसार व्यावसायिक शिक्षा एक भिन्न धारा होगी जिसके द्वारा कार्य के अनेक क्षेत्रों से संबंधित व्यवसायों के लिए छात्रों को तैयार किया जाएगा सरकार और नियोक्ता दोनों का ही इस दिशा में दायित्व तो होगा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से निकलने वाले स्नातकों को अपनी व्यावसायिक उन्नति और कार्य जीवन में सुधार के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे ये प्रस्तावित किया गया कि उन्नीस तक उच्च माध्यमिक स्तर के पच्चीस प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत लाए जाए सातवीं सिफारिश उच्च शिक्षा के बारे में थी अप्रत्याशित ज्ञान के विस्फोट के परिपेक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गतिशील बनाने की सिफारिश करती है ताकि नए नए क्षेत्रों में इसका प्रसार हो भारत में बड़ी संख्या में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को देखते हुए इसने प्रस्तावित किया कि वर्तमान में स्थित संस्थानों में सुविधाओं को बढ़ाया जाए महाविद्यालयों के विभाग जो विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, को स्वशासी बनाया जाए विशिष्टताओं की मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्माण किया जाए इन संस्थानों में सीटें पूर्ण रूप से योग्यता के आधार पर ही भरी जाएंगी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को और अधिक सहारा दिया जाएगा आठवीं सिफारिश मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा के बारे में थी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी अतः इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सशक्त किया जाएगा नौवीं सिफारिश डिग्री को नौकरी से असंलग्न करने के बारे में थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये एक अभूतपूर्व सुझाव है असंलग्नता का सिद्धांत उन सेवाओं पर लागू होगा जिनके लिए विश्वविद्यालय की डिग्री एक आवश्यक योग्यता नहीं हो दसवीं सिफारिश शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया का पुनः उन्मुखीकरण के बारे में थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी से की नई पीढ़ी का संसर्ग नहीं कराया जाना चाहिए अपितु उन्हें भारतीय इतिहास और संस्कृति के मूल की ओर भी ले जाना चाहिए इसलिए पाठ्यचर्या तथा शिक्षा की प्रक्रिया को सांस्कृतिक विषय वस्तु से समृद्ध करना होगा बच्चों में सौंदर्य सामंजस्य तथा प्रकृति के प्रति संवेदना विकसित करने की योग्यता पैदा करना होगी ग्यारहवीं सिफारिश मूल्य शिक्षा के बारे में थी मूलभूत मूल्यों के खराश पर चिंता व्यक्त करते हुए और समाज में बढ़ती हुई कटुता के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए पाठ्यचर्या में पुनः समायोजन की आवश्यकता पर बल दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कार्यानुभव पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता गणित शिक्षण विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा को भी उचित महत्व दिया इसने उन्हें सशक्त करने पर जोर दिया को दूर करने की दृष्टि से जांच की समुचित पद्धति का विकास किया जाना चाहिए एक सतत और व्यापक मूल्यांकन पद्धति लागू किया जाना चाहिए जो सेमेस्टर पद्धति के साथ साथ शिक्षा के शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन सुनिश्चित कर सके सिफारिश अध्यापक के बारे में थी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति ने अध्यापकों की स्थिति कार्य की शर्तों तथा प्रशिक्षण को समृद्ध बनाने का प्रस्ताव किया इसने अध्यापकों के लगातार प्रशिक्षण की योजना बनाने की सिफारिश की इसने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया अंत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंध पर भी विचार किया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ग्रहण करने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा नीति पर एक क्रियात्मक कार्यक्रम संसद के मानसून सत्र में पेश किया इस कार्यक्रम दस्तावेज के माध्यम से शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रतिबद्धता को परिभाषित किया गया नीति के लागू होने के पश्चात प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण परिणाम संक्षिप्त में इस प्रकार है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए देश में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के नाम से शुरू किया गया बुनियादी तौर पर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड एक नवाचारी कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्राथमिक स्तर के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में भवनों के निर्माण उनमें आवश्यक योग या परिवर्तन शामिल है प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापकों का प्रावधान किया गया इसमें एक पुरुष और दूसरी महिला है अध्यापन खेल कूद मनोरंजन की अनेक सामग्रियां भी इसमें प्रदान की गईं। ग्रामीण विद्यार्थियों के बेहतर शिक्षा के लिए पब्लिक स्कूलों के नमूने पर ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई देश में प्लस दो स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए गए इन विद्यालयों में पृथक कर्मचारी हैं प्रत्येक ट्रेड के लिए कर्मशालाओं का प्रावधान किया गया है अन्य सुविधाओं जैसे पुस्तकालयों व्यवहारिक अनुभवों उद्योगों के साथ जुड़ाव आदि भी सुनिश्चित किए गए हैं इन संस्थानों का सशक्तिकरण किया जा रहा है स्वशास तो महाविद्यालयों को नामित किया गया है मुक्त विश्वविद्यालय खोले गए हैं दूरस्थ शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाया गया है मध्य प्रदेश में स्थापित मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण है शिक्षा स्तर पर प्रशिक्षण महाविद्यालयों को सशक्त किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण की विषय वस्तु का पुनर्गठन किया गया है निम्न माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए प्रत्येक जिले में डाइट संस्थानों की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है ये संस्थान अध्यापकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा अन्य प्रशिक्षण निरंतर रूप से आयोजित करते रहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद से निरक्षरता को दूर करना एक प्राथमिकता बन गई है अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम जनता को साक्षर बनाने के उद्देश्य से ही चलाए गए हैं संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में जोरदार तरीके से लागू किया गया है तथा कुछ क्षेत्रों जैसे बड़े पैमाने पर साक्षरता बच्चे की प्रारंभिक देखभाल शिक्षा का सार्वभौमिकरण अनौपचारिक शिक्षा स्वस्थ पर्यावरण के प्रति जागरूकता नारी शिक्षा तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा आदि में काफी प्रगति दर्ज की गई है आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है इसे विश्व में एक आणविक महाशक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी ये काफी आगे है और केवल कुछ ही देश इसकी तुलना में आते हैं औद्योगिक क्षेत्र में भी देश ने आश्चर्यजनक प्रगति की है भारतीय विद्यार्थी तकनीशियन अभियंता चिकित्सक आदि अति बुद्धिमान हैं और कुछ ने तो अपने अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय भी दिया है इन के होते हुए भी भारतीय समाज के अनेक क्षेत्रों में विरोधाभास तथा विषमताएं हैं पूर्व में इन्हें ठीक करने की दिशा में किए गए प्रयास लाभप्रद नहीं रहे हैं उभरते भारत के संदर्भ में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए ये कहना अत्यंत कठिन है तथापि भविष्य की किसी तस्वीर की कल्पना की जा सकती है पिछली शताब्दी से इस उप महाद्वीप में सामान्यतया और भारत में विशेष रूप से जनसंख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है विभाजन से पहले अविभाजित भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और बचे हुए भारत में इसकी जनसंख्या 26 करोड़ उन्नीस से इसकी जनसंख्या ने बहुत बड़ी छलांग लगाना आरंभ कर दिया उस समय जनसंख्या इक्यावन करोड़ थी साठ वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या एक अरब को पार कर गई है स्थिति अति गंभीर है जनसंख्या में इसी तेजी से होने वाली वृद्धि के अनेक कारण बताए जाते हैं जैसे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं पोषण में सुधार महामारी का मिटना जीवनावधि की प्रत्याशा में वृद्धि आदि परंतु इस विस्फोट ने विकास की दर को धीमा कर दिया है पर्यावरण को इससे खतरा पैदा हो गया है दूसरे शब्दों में नए सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर आधारित समाज के गठन में जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको खतरा पैदा हो गया है पिछले छह दशकों में भारत ने जनसंख्या विस्फोट को अवरुद्ध करने के लिए काफी जोर जबरदस्ती से और अधिकतर समय जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा चेष्टा की परंतु परिणाम संतोषजनक नहीं रहे मानव मन को सचेतन करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये उनमें सही प्रकार की प्रतिक्रिया और पहल की भावना जागृत करती है अभी तक जनसंख्या शिक्षा में प्रजनन बाल उपचार स्वास्थ्य की समस्याएं छोटे परिवार के लाभ परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता आदि का समावेश होता आया है अब समय आ गया है जब जनसंख्या शिक्षा को नई दिशा और महत्व दिया जाना चाहिए देश के प्रत्येक घर में जनसंख्या शिक्षा का प्रसार होना चाहिए प्रत्येक गांव को सम्मिलित कर शिक्षित किया जाना चाहिए एक विशाल तथा समयबद्ध कार्यक्रम लिया जाना चाहिए वर्तमान पाठ्यचर्या का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ये एक विरोधाभास है कि भारत जैसे देश में जो पर्यावरण में इतना समृद्ध था आज पर्यावरण प्रदूषण की व्यथा से पीड़ित है भविष्य में ऐसे अनुसंधान किए जाएंगे जिनसे पर्वतों नदियों और विविध वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके शहरीकरण और औद्योगिकरण के इस पागलपन से भरे दौर में हम वर्तमान में दुखद परिस्थिति में पहुंच गए हैं हमारी अर्थव्यवस्था तथा समृद्धि के लिए उद्योगों का होना आवश्यक है परंतु मानव का गला घोट देता है मानव जाति का अंत स्पष्टता दिखाई दे रहा है आने वाले दशक में भारत की उभरती तस्वीर बहुमंजिली कंक्रीट के जंगलों विशाल भवनों और संरचनाओं का होगा जिनमें सांस लेने के लिए वायु की कमी होगी और शायद वो वायु भी बिके हमें यह समझना चाहिए कि पर्यावरण की समस्या एक शहर एक राज्य या यहां तक कि एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक सार्वभौमिक समस्या है ये समस्त मानवता की समस्या है सन 1915 से मानव पारिस्थितिकी के प्रतिपादन की चेष्टा हो रही है परंतु आज संपूर्ण विश्व समाज इस समस्या से आक्रांत है। पर्यावरण शिक्षा भारत के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है प्राचीन शिक्षा पद्धति में भी पर्यावरण को समृद्ध करने तथा उसके संरक्षण के लिए बहुत जोर दिया जाता था आज के संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव और प्रकृति के मध्य संबंध को समझना होना चाहिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन ने एक बार पर्यावरण साक्षरता के विकास के लिए आवाज उठाई थी वे कहते हैं पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मूल्यों की पहचान और संकल्पनाओं का परिष्करण किया जाता है ताकि मानव और संस्कृति और जैव भौतिक परिवेश के बीच के संबंध को समझने और परिबोध करने के लिए आवश्यक कौशलों और अभिवृत्तियों का विकास किया जाता है पर्यावरण शिक्षा की पाठ्यचर्या में संसाधन प्रबंध शहरीकरण के कारण पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से संबंधित समस्याओं औद्योगिकीकरण वन नाशन तथा सघन कृषि आदि से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण को समावेश कर उसे पुनर्गठित किया जाना चाहिए साथ ही जन जागरण उत्पन्न करने की दृष्टि से पारिस्थितिकी संरक्षण मृदा विज्ञान जैसे विषय शिक्षा के सभी स्तरों पर पढ़ाए जाने चाहिए हालांकि अध्यापन विधियों को नियत नहीं किया जा सकता फिर भी इनके द्वारा अनुभवों की प्राप्ति पर जोर देकर पाठ्यचर्या को क्रिया पर आधारित बनाना चाहिए विद्यार्थी अनुभवों के आधार पर वायु प्रदूषण जल प्रदूषण मृदा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण मानसिक प्रदूषण और उद्योगों द्वारा फैलाए गए पर्यावरण प्रदूषण का ज्ञान प्राप्त करें भारत आज आधुनिकीकरण की दहलीज पर खड़ा है हमारे अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं परंतु हमारी जनता इन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के विकासात्मक गतिविधियों से अनभिज्ञ है आधुनिकता की नींव अज्ञान और निरक्षरता पर नहीं रखी जा सकती तथा न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक समाज के निर्माण का स्वप्न तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक वर्ग जाति लिंग धर्म आदि का भेद किए बिना सबको शिक्षा का समान अधिकार नहीं दिया जाता भारत के संविधान ने अपने लागू होने के दस वर्ष के भीतर इस स्वप्न को पूरा करने की की प्रतिज्ञा थी परंतु गत शताब्दी की समाप्ति पर भी हम लक्ष्य के 50 प्रतिशत पर भी नहीं पहुंच पाए नई शताब्दी शुरू हो गई है लेकिन लक्ष्य अभी भी नजर नहीं आता यद्यपि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी आई है परंतु फिर भी बड़ी संख्या में लोगों के पास पूरे वस्त्र नहीं हैं, उन्हें पूरा भोजन नहीं मिलता और सिर पर बिना छत के निवास करते हैं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का कोई भान नहीं है इस पृष्ठभूमि में आधुनिकीकरण की ओर देश की गति और इस दिशा में शिक्षा की भूमिका को समझना होगा आधुनिकीकरण की संकल्पना पर सभी लोग सहमत नहीं हैं। अर्थशास्त्री इसे प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि लाने तथा प्रकृति पर आधिपत्य पाने की दृष्टि से मनुष्यों द्वारा नए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के रूप में देखते हैं राजनीति शास्त्रियों के अनुसार सरकार ने नवाचार की क्षमता बढ़ाने के लिए और परिवर्तन के अनुकूल अपने को ढालने के लिए जिन उपयुक्त उपायों को लागू किया है उनके कारण ही आधुनिकीकरण संभव हो पाया है आधुनिकीकरण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में आए संस्थान तेजी से बदलते कार्यों के प्रति अपने को ढालते हैं इसके फलस्वरूप मानव के ज्ञान में अप्रत्याशित वृद्धि होती है और जिसका प्रयोग कर वो पर्यावरण पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है आधुनिकीकरण की ये प्रक्रिया वैज्ञानिक क्रांति के साथ साथ प्रारंभ हुई कुछ अन्य धारणाओं के अनुसार आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी कदम है ये वास्तव में परंपरागत तथा अर्ध परंपरागत व्यवस्था से चलकर विशिष्ट इच्छित प्रौद्योगिकी तत् सामाजिक संरचना मूल्य अभिमुखी प्रेरणाओं तथा मानकों की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है भारत में आधुनिकीकरण के कारण जीवन शैली में सोचने की प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ साथ परंपराओं और सांस्कृतिक मानकों से अलगाव का क्रम भी आया है शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा को भूत और वर्तमान के बीच समझौता करने पर जोर देना चाहिए उसे एक सुसंगत भविष्य के लिए भी चेष्टा करना चाहिए कोठारी आयोग ने कहा मानव मात्र गतिशील और प्रगतिशील है समाज भी एक सदैव परिवर्तित होने वाला तथ्य है ये स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं रह सकता समाज की संरचना में अविच्छिन्न रूप से परिवर्तन परिवर्धन पुनः नवीकरण होता रहता है तथा समयांतर में इनके अनुकूल अपने को ढाल लेता है अतः शिक्षा का पुनः उन्मुखीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि सामाजिक परिवर्तनों की चुनौती का सामना किया जा सके और समानता स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सके शिक्षा को जाति प्रथा के बढ़ते हुए ध्रुवीकरण के संकट का सामना करना होगा राजनीतिक पार्टियाँ इसे अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए व्यवहार कर रही हैं। वास्तव में लोगों का एक बड़ा वर्ग उपेक्षित रहा परंतु शोषण कोई हल नहीं है इसके कारण सामाजिक और सांप्रदायिक झगड़े और असंगति उत्पन्न होती है शिक्षा जो आधुनिकता का प्रभावी उपकरण है को फैलाकर समाज के सभी वर्गों को आच्छादित करना होगा केवल शिक्षा के द्वारा ही सभी वर्गों के दृष्टिकोणों और व्यवहार में बदलाव लाकर एक समानता पर आधारित समाज का गठन किया जा सकता है जिसमें आपसी अविश्वास न हो घृणा न हो तथा वैर भाव भी न हो उपेक्षित महिलाओं को भी मुख्य धारा में लाना होगा कार्यकारी महिलाओं का आविर्भाव और परिवार में उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका ने अभी तक किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया परंतु उभरते भारतीय समाज में पारिवारिक बंधनों को बनाए रखना परिवार और समाज में सुसंगति शिक्षा की महत्वपूर्ण कार्य सूची का रूप लेगी महिलाओं की विमुक्ति वैज्ञानिक निकायों और भारत के शासन में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी की मांग एक नवीन दृष्टिकोण की चाह रखती है अंत में हम यही कहेंगे कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा को गुंजायमान गतिशील और लचीला होना पड़ेगा दोस्तों उभरते हुए भारतीय समाज में शिक्षा इस ध्वनि श्रृंखला में आज बस इतना ही इस श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में हम किसी नए कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा विषय विशे विशेषज्ञ थे डॉक्टर एस के उपाध्याय वाचन किया डॉक्टर डॉली मल्होत्रा और संजय श्रीवास्तव ने निवेदिका थी विभा तिवारी इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण संपादन आलेखन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया